अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के सामने आकर ब्लॉग शुरू करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ, जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाए हैं गवर्नमेंट ने अभी, उस पर जो रजिस्ट्री पे कितना टैक्स लग रहा है, और गेनिक्स जो सेल कार है उस पर कितना टैक्स है, जो इसको बाई कार है उस पर कितना टैक्स है, तो वो मैं आपको वर्बली एग्जैक्ट बताऊँगा आज इस पर कि टोटल टैक्स कितना है सेल करने वाले पे और परचेज करने वाले पे। तो आए इस पर मैं आपको तफसीली इस पर जामिया मैंने रिपोर्ट बनाई है, उसके मुताबिक मैं आपको डिटेल बताऊँगा जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये उसका मैंने मुकम्मल एक चार्ट बनाया हुआ है, तो यहाँ से आपको ना सही ये क्लियर पता चल जाएगा। इसमें ना ये देखें, एफबीआर टैक्स, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, फेडरल टैक्स। जब आप ज़मीन ख़रीदते हैं तो उसके आपने उस पर लेना होते हैं, स्टाम्प पेपर लेने होते हैं, तो वो उसमें वो बताया जाता है कि स्टाम्प पेपर लेने हैं या उस पर एफबीआर टैक्स देना है या वो जो कम्युनिटी टैक्स होता है वो आपने देना होता है। तो ये सारी जो ये चार्ट है ये मैंने इधर बनाया हुआ है, तो इसमें आपको मैं तफसील से बताता हूँ। सबसे पहले आपने जो एफबीआर टैक्स लेना है, पे करना है, वो इमरान खान के दौर में जो था 2% था, सही है। तो अब इस गवर्नमेंट ने जो नॉन फाइलर है उसके लिए 10.5% कर दिया है, और जो फाइलर है उसके लिए 3% है। और इस पे जो ये सेलर है और ये सेलर के लिए जो सेल कार है उसके लिए टैक्स है, इसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद ना स्टाम्प ड्यूटी आ जाती है। स्टाम्प ड्यूटी जो है वो 3% है, ठीक है, ये नॉन फाइलर के लिए 3% है, और जो स्टाम्प ड्यूटी है वो फाइलर के लिए भी 3% है। यहाँ से पहले एफबीआर टैक्स है 3% फाइलर के लिए और 10.5% नॉन फाइलर के लिए है। इसके बाद आ जाता है कैपिटल वैल्यू टैक्स, जो प्रोविजनल टैक्स भी होता है, आप कैपिटल कह रहे हैं प्रोविजनल कह रहे हैं, ठीक है, ये 2% है नॉन फाइलर के लिए, और फाइलर के लिए भी ये 2% है। इसके बाद आ जाता है कमेटी टैक्स, TMA जो टैक्स होता है, ये 1% टैक्स है, और जो नॉन फाइलर के लिए 1% है, और फाइलर है जो उसके लिए भी 1% है। इसके पास जो रजिस्ट्रेशन फीस आ जाती है पंजाब में, वो 500 रुपया है नॉन फाइलर के लिए, और फाइलर के लिए जो है वो भी 500 है। तो इसमें ना ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, जितनी भी डिटेल मैंने लिखी हुई यहाँ पे, मैंने KPK का भी लिखा हुआ है, SN का भी लिखा हुआ है, बलूचिस्तान का मुझे मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ मैंने डाटा डाल दिए हैं। तो जो जो इधर डिटेल आ रही है वो सब कुछ मैंने इधर मेंशन कर दिया है। इधर मैंने अभी आपको सिर्फ पंजाब का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ काम पंजाब में कर रहा हूँ, बाकी जो KPK से या SN से भी मेरी वीडियो लोग देख रहे हैं तो वो यहाँ पर देख सकते हैं उनको कितना टैक्स लग रहा है। तो इसके बाद आ जाते हैं जो सेलर है, सेलर पे जो टैक्स पड़ रहा है नॉन फाइलर का है वो 6%, और जो फाइलर है उसका 3% है। ये जब इमरान खान का टाइम था, जो पिछली गवर्नमेंट थी, उस वक्त ये टैक्स था 2% था नॉन फाइलर का और 1% था सेलर का, फाइलर का। अब ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो ये जो एफबीआर टैक्स है ये तकरीबन 2% था फाइलर का, और 2% फाइलर का था, और 3 से 4% नॉन फाइलर का था ये पिछली गवर्नमेंट के दौर में। इस वक्त ये 10.5% हो चुका है। और ये जो मैं आपको रिपोर्ट अभी बता रहा हूँ, ये जितनी भी डिटेल बता रहा हूँ, आज जो 30 जुलाई है 2023, यहाँ तक आज तक की जो टैक्स है वो इतना टैक्स आ रहा है, कल कितना टैक्स होगा उसका पता नहीं है। तो जो फाइलर है उसका जो टोटल टैक्स है, जो प्रॉपर्टी पे आप जब प्रॉपर्टी आप बाय करते हैं, तो नॉन फाइलर जो है, जो फाइलर नहीं है, जो नॉन फाइलर है उसको जो पे करना पड़ता है वो 16.5% टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 लाख की है तो आपने 16,500 टैक्स पे करना है, और अगर आप फाइलर हैं तो आपने 9% टैक्स पे करना है, 9% टैक्स आपने पे करना है। अगर आप 1 लाख की प्रॉपर्टी लेते हैं तो 9,000 की आप टैक्स पे करेंगे, ये फाइलर का है। तो इसमें वो मैंने खर्चे नहीं डाले जो अमूमन आमतौर पे लेते हैं, जैसे तहसील ऑफिस में 1% अमूमन जो टैक्स लिया जाता है, जो रिश्वत हम जिसे कहते हैं, ये जितने भी पाकिस्तान में, मुझे सिंध का और बलूचिस्तान का और KPK का नहीं पता, लेकिन जहाँ में जितनी भी तहसील ऑफिस हैं, ये 1% तो आपसे मस्ट टैक्स ले, वो रिश्वत लेंगे। हम इसको टैक्स ही कहते हैं,
क्योंकि जो मर्ज़ी मतलब जितना मर्ज़ी नमाजी परहेजगार बंदा आगे तहसील ऑफिस में आ जाए, वो आपसे 1% टैक्स लेगा ही लेगा। तो 1% वो भी टैक्स होता है, बाकी जो छोटे मोटे दूसरे खर्चे हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो कुछ लोग 1% ले लेते हैं, कुछ 2% ले लेते हैं रिश्वत की शक्ल में, ये मैं कह रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो आ जाती हैं, मतलब अगर 2% भी लेते हैं तो 98% वो आ जाता है और ये 11% हो जाएगा। तो ये जो अभी नई गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट के आने की वजह से हमारा जो प्रॉपर्टी का जितना काम है वो ख़त्म होकर रह गया। आप देख लें यहाँ पे आपको कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है, 10.5% जस्ट FBR टैक्स है, जो कि सिर्फ 2 या 3% होता था पहले, और अब ये बढ़ के कहाँ चला गया। अब प्रॉपर्टी, पहले एक प्रॉपर्टी एक मुनाफा बख्श कारोबार था, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नौसरबाजी हो रही है, दो नंबरी हो रही है, तो लोग ज़्यादातर जो इन्वेस्ट कर रहे थे प्रॉपर्टी में कर रहे थे, बाकी किसी चीज़ में नहीं कर रहे थे, क्योंकि हर एक चीज़ में उनको ना तकरीबन यही फील होता था कि उनके साथ नौसरबाजी हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो नमाजी परहेजगार और रोज़ा और उम्र अदा करने वाले लोग हैं पाकिस्तान में ही हैं, और पाकिस्तान ईमानदारी में 160वें नंबर पर आते थे, इसलिए दो नंबरी तो पाकिस्तान नहीं हो कि आगे ना ख़त्म है। तो ये टैक्स की सूरत हाल है जो अभी आपने देखी है, इसमें मैंने सारा ये डिटेल बता दी है। इसमें ये जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है ये मुकम्मल डिटेल इसमें लिखी हुई है। तो आई होप मैं आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, मैं हमेशा की तरह आप वीडियो के आखिर में जैसे कहता हूँ कि मेरे वो व्यूज जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, उससे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट उनको मिल सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।